हेलो स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन को याद रखने में दिक्कत रहती है कि किस फोर्स में वर्क डन पाथ भी डिपेंड करता है और किस में नहीं। आज मैं आपको इन्हें याद रखने का आसान सा तरीका बताऊंगा। चलिए इन्हें एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप कंजर्वेटिव शब्द को पढ़ते हैं तो आपको एक शब्द याद आता है, कंजर। जी, कंजर वर्ड ही हमारा की पॉइंट है। अब कंजर व्यक्ति के दो गुण सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसे अपनी राह से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अच्छी है या बुरी उसे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नशेड़ी बंदा। और दूसरा गुण देखिए, उसे मतलब सिर्फ इस बात का होता है कि उसे उसे की मंजिल मिलनी चाहिए। अपनी मंजिल के लिए वह कुछ भी करता है, ठीक है। जैसे शराबी शराब के लिए कुछ भी करता है। तो हमने क्या सीखा, कंजर व्यक्ति पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो कोई भी पाथ फॉलो करता है, उसे अपनी मंजिल से मतलब है और किसी से नहीं। बस इतना समझ गए तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझ गए, ठीक है। इसका उल्टा होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और बाकी आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। जो डेफिनेशन है, मेरा काम था आपको इनको याद रखने का तरीका बताना, वो मैंने बता दिया। अब इसे पढ़ लीजिए, इसे भी और इसे भी, ठीक है। आपको इस बात के लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं करना कि मैंने कंजर शब्द का प्रयोग किया है। आपको ये सोचना है कि गंदे शब्द का प्रयोग करते हुए हमने कुछ अच्छा सीख लिया और उसे अच्छा बना दिया। थिंक पॉजिटिव। थैंक यू।